देख सकते हो कैसे सब लोग आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर निःशुल्क दोस्तों छाछ शरबत का वितरण किया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोग हमारे अयोध्या में है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत ही सुंदर होने वाला है। दोस्तों आप सभी लोगों को श्री क्षेत्र रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि रामनवमी पर अयोध्या का क्या हाल है, क्या माहौल है यहाँ का। तो आइए देखते हैं, दोपहर का समय है और ये रही मेरी साइकिल। भाई ये मेरे पड़ोसी की साइकिल है और इसी से हम लोग चलेंगे और आज का माहौल देखेंगे, आज का माहौल क्या है। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों ये हमारे रूम के बगल एक मंदिर है, यहाँ पर रोज़ श्री राम चरित मानस का पाठ होता है। और लगभग अयोध्या के सारे मंदिरों में पूरी रामनवमी श्री राम चरित मानस का पाठ चलता है। तो भाई मैं एक चौराहे पर पहुंच गया हूं और यहां पर बहुत ही भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। और मैं भी रुका हूं। तो भाई आप लोग देख सकते हो श्री क्षेत्र रामनवमी पर भक्त लोग, जो गांव के लोग हैं, औरतें और पुरुष सभी लोग आए हुए हैं। और कड़कती धूप में नंगे पांव चल रहे हैं, ऐसे होते हैं श्री राम के भक्त। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं भाई मेले में, आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। और यहां पर निःशुल्क दोस्तों छाछ शरबत का वितरण किया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोग हमारे अयोध्या में हैं जो सभी भक्तों को निःशुल्क दही का शरबत पिला रहे हैं ऐसी कड़कती धूप में। तो हम लोग भी चलिए चखते हैं। तो भाई मैंने भी पी लिया जय श्री राम का नाम लेकर और सभी लोग पी रहे हैं और आराम से शांति से सब लोग जा रहे हैं, जय श्री राम। तो भाई एक महानुभाव ने हमें एक बुक दिया है सारे जहाँ से, अच्छा दोस्त हमारा, तो इसे अपने रूम पर चल के पढ़ेंगे, आप देख सकते हो। तो मेरा एक पेंट ख़राब था, यह हमने पेंट दे दिया है और आधे घंटे बाद बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखो भाई रूम पे, भैया हम लोग रूम पे बैठे रहते हैं आराम से और यहाँ पर देखो इतनी धूप में ये भैया यात्री भक्त लोग, कुछ लोग तो भैया नंगे पांव चल रहे हैं, जय श्री राम, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है। ऐसे ऐसे तो हम लोग चलेंगे नए घाट तक, देखेंगे क्या माहौल है आज अयोध्या का। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं भाई नए घाट पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे सब लोग आनंद ले रहे हैं। सबसे अच्छा आनंद आपको यहीं पर आएगा, यहाँ पर अगर नहा ले तो समझ लीजिए आपका अयोध्या में आना, यहाँ पर तीर्थ करना अच्छा हुआ। और देख सकते हो कैसे सब लोग आनंद ले रहे हैं। ये भाई सामने आके खड़ी है। भाई पानी यहीं से जाता है, नदी का पानी इस तरफ लाया जाता है और इसमें जब ज़्यादा होता है तो उस साइड बह के जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है श्री राम चरित मानस का पाठ और शाम को होता है प्रोग्राम जय श्री राम। Bye.
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं लता मंगेशकर चौक पर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के भक्त दिखाई दे रहे हैं। Thank you.